सूरतुन निसा की आयत नंबर 83 पढ़ रहा हूँ। ज़रा देखिए कितने वाज़े अंदाज में ये जो खबरें इधर उधर से आती रहती हैं अल्लाह ने इसके बारे में वजाहत फरमाई। इसका पस मंज़र आयत का क्या है कि मदीना के अंदर मदीना के मुआशरे में ज़ईफ़ुल ईमान लोग भी मौजूद थे, तो मुनाफिक क्या करते थे, अफवाह उड़ाते थे, और जो ज़ईफ़ुल ईमान मोमिन है वो उस अफवाह को बजाय ये कि जाके रसूलुल्लाह को ख़बर दें, जो मोतबर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पक्के लोग हैं, अहले ख़बर लोग हैं, इत्तलाआत रखते हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, बजाय ये कि उनके पास जाएं और कहें कि ये बात हमने सुनी है, फौरन इधर उधर उड़ा देते थे। वो हरकत करते थे जो मुनाफिक चाहते थे, और मदीना में एक खौफ व हरास और एक फितने की सूरत हाल पैदा हो जाती थी। तो अल्लाह ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 83 में क्या फरमाया, इसको तवज्जो के साथ सुन लीजिए और उसके बाद बड़े ध्यान से केयरफुली अपने व्हाट्सएप पे उंगलियां चलाइएगा अपनी फॉरवर्ड करने के लिए चीजों। आप जान लें कि बहुत सारी चीजें झूठी हैं। अभी कुछ दिन पहले जब तालिबान मुख्तलिफ अफगानिस्तान के इलाकों पर एक एक करके कब्जा कर रहे थे, एक वीडियो आई जिसमें कुछ लोग सड़क के किनारे पे कुछ एहतजाजी बैनर पकड़ के खड़े हुए, और वहां दिखाया जा रहा है कि कुछ तालिबान खड़े हैं और इधर से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों से उन्होंने बंदों को उतारा है, फिर उन बंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा, वो एक टैबलो था, वो रिकॉर्डिंग के लिए और मसलन लोगों से ये कहने के लिए कि देखो ये इस तरह जुल्म करते हैं, ना कि वो एक्चुअली हो रहा था। वो एक वीडियो बनाई गई और यहां पाकिस्तान में कईयों ने उसके नीचे अपने कैप्शन लगाकर हेडिंग्स देके ये कर दिया, तालिबान ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया, बिला वजह झूठ में हिस्सा डाल के लोगों को खराब किया। कोई किसी ने ट्विटर पे चढ़ाई कर दी, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में चढ़ाई कर दी और झूठ बोला। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी उल्टी सीधी खबर आए, हम पर इतनी नमाज वाजिब नहीं है जितना उसको फॉरवर्ड करना वाजिब, नीचे अपनी तरफ से नमक मिर्च वाला कैप्शन लगाकर फरीजा है। इतना गैर जिम्मेदार रवैया इस फितनों के दौर में। बाद में पता चला भाई वो तो एक्चुअली मसला था ही नहीं, वो तो वही लोग जो एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने एक टैबलो एक बनाया हुआ था कि इस तरह होता है, ना कि हकीकत में ऐसा कुछ हो रहा था। ना इन नाजुक हालात में जल्दी जल्दी कुछ अपना आप फरीजा समझ के गलत काम करने की कोशिश करो। अल्लाह ने क्या फरमाया देखिए इन लोगों के बारे में जो ये काम करते हैं, आज सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। वइदा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ, जब इनके पास अमन या खौफ की कोई खबर आती है क्या करते हैं, अदाउ बिह, तो उसे खूब फैलाते हैं। लगा हुआ व्हाट्सएप पर, एक ग्रुप नहीं छोड़ा, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं छोड़ी, फिर फेसबुक पे चढ़ा दिया। किसने तुम्हें सवाब देना है इसका, पता भी नहीं है क्या कर रहे हो, ना तुम माहिर हो कि तुमने, ना तुम्हें खबर तस्दीक करने का पता है, ना तुम्हारी कोई सोर्स है। तुम्हें तो जो मर्जी चाहे दो मिनट में इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक दे, और फेंके भी ऐसे कि तुम खुद अपनी लगाई हुई आग में जल जाओ। जो चाहता दुश्मन था, लेकिन उस आग को भड़काने में खुद किरदार अदा किया तुम। जब इनके पास अमन या खौफ की खबर पहुंचती है तो उसे खूब फैलाते हैं। क्या करना चाहिए था बजाय फैलाने के इनको, वलौ रद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम, और अगर वो इस खबर को रसूल और अपने में से साहिबान अमर तक पहुंचा देते, जिन्होंने डिसीजंस लेने हैं, जिन्होंने पॉलिसी देनी है कौम को, जो जिम्मेदार हैं, अगर बजाय फैलाने के उनको, यानी जिम्मेदारी बजाय अवाम में फैलाने के, इन चीजों को बजाय
किसी जिम्मेदार तक पहुंचाने का ये हरकत करने के बजाय किसी जिम्मेदार तक पहुंचाते तो क्या होता, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, तो उनमें से अहले तहकीक इस खबर की हकीकत को जान लेते कि ये एक्चुअली हुआ क्या है, वो अपनी मोतबर जराए से पता करते, पता करने ये खबर ठीक नहीं है, अगर गलत है तो छोड़ दो और अगर ठीक है तो फिर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारान आपस में मशवरा करके कोई कौम को वो बताते, तो कौम एक ट्रैक पे चल रही होती और फितना घरों को भी पता चल जाता है कि इनको गुमराह करना इतना आसान नहीं है, इनको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब तो फितना घरों को आसानी है, फेक अकाउंट्स बनाओ, खबरें फैलाओ, किसी चीज का कुछ और काम कर दो, हो रहा कुछ और हो तुम कुछ और करके पेश कर दो और ये लोग बगैर सोचे समझे वो करेंगे जो तुम चाहते हो, वो अपने लिए फितनों का सबब बन जाएंगे। अगर वो इस खबर को रसूल और अपने में से साहिबान अमर तक पहुंचा देते तो उनमें से अहले तहकीक इस खबर की हकीकत को जान लेते। अब ये रहनुमाई करने के बाद अल्लाह ताला के अल्फाज देखिए कुरान के, कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए ये खबरें फैलाने वालों को, तवज्जो करें, फरमाया वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, हरकत तुमने इतनी गंदी की है, इस हरकत के नताइज कितने खतरनाक निकल सकते हैं, मौजूद बारूद के ढेर पर अपनी तरफ से एक माचिस जला के फेंकी है, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, वलौला फजलुल्लाह अलैकुम, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, लत्तबअतुमुश शैतान, तो यकीनन ये जो तुमने हरकत की है तुम शैतान के पीछे चल पड़ते, जो शैतान चाहता था ऐसी अफवाहों से फैलाने से तुम शैतान को यकीनन फॉलो कर चुके होते, शैतान का इत्तबा कर चुके होते, इल्ला कलीला, सिवाय तुम में से एक कलील तादाद के जो समझदार लोग हैं जो इस तरह झपट कर चीजें फैलाना नहीं शुरू कर देते। लिहाजा आप हालात की संगीनी को और हसासियत को समझें, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है,